दिमाग आप लोगों को मंगोलियन बीफ सिखाया है। बनाने का इरादा है जो आपने कल बनाया। जी 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 उसका मुझे ना सोडा वाटर की समझ नहीं आ रही, वो कौन सा वाला है कोई आप बता सकती हैं? आइसक्रीम सोडा जो ड्रिंक है हरा रंग का जो आप पीते हो। ठीक है, और आपका एक फरमाइश थी। जी बोलिए। स्टेक रेसिपी दे दीजिए ज्यादा स्टेक्स की। अच्छा ठीक है, एक आपको बात बताऊं, 21 तारीख वाले हफ्ते में जी जी मोरक्कन स्टेक आ रहा है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, मोरक्कन सॉस भी है और मोरक्कन स्टेक भी है। बहुत शुक्रिया। यानी अगला हफ्ता नहीं, उसके बाद वाले हफ्ते में है। ये समझ आ गई। ठीक है, आ गई है। और आपका सरप्राइज जो है वो हमें इंतजार रहेगा, जो आप प्रोमो कह रही हैं जी, तो इंशाल्लाह जरूर वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा फिर मुझे जरूर बताइएगा। आपकी डेली की जो 3 रेसिपी होती है उनमें से मैं एक जरूर चूज करके जो कन्वीनियंट लगती है वो मैं घर में बनाती हूँ। वेरी गुड। और अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ उससे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। शाह किचन कॉर्नर के नाम से है मेरा चैनल। ओके, तो उससे मैं चला रही हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, हमने अपनी कढ़ाई ले ली, वॉक ले ली, इसमें हमें ज़्यादा तेल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1/4 कप या 4 टेबलस्पून तेल चाहिए। ठीक है, इसमें हम सब में पहले कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, क्रश्ड गार्लिक जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, वन टेबल स्पून क्रश्ड गार्लिक चला गया, थोड़ा सा गार्लिक को हम फ्राई करेंगे और इसमें मैं अंडरकट स्लाइस्ड अंडरकट डाल दूंगी, हाफ के जी 500 ग्राम्स। ठीक है, ये हमने डाला, और इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। चाइनीज खाना हमेशा तेज चूल्हे पे बनता है। 5 मिनट इसको आपको अच्छी तरह फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें सारी सीजनिंग्स और सॉसेस डालूँ। अच्छा, इसमें जाएगी सोया सॉस 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून। अभी होने दें ज़रा इसको 5 मिनट। अंडरकट ऐसा गोश्त है, बीफ का एक हिस्सा है पीछे आपकी कमर से बीच से ऐसा लंबा पीस निकलता है, जिस वक्त आप उसको देखोगे पूरा चर्बी में भरा हुआ होता है। ठीक है, फिर उसको साफ़ करके फिर आप उसको कटवाते हैं, जिस तरह से भी आपको चाहिए, स्टेक्स के लिए या चाइनीज डिशेस के लिए। और ये ऐसा गोश्त है कि विद इन 10 मिनट्स ऑफ कुकिंग ये वेल डन हो जाता है। वेल डन स्टेक के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए। इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप सोया सॉस, ठीक है, 1/4 कप सोया सॉस चली गई, 2 टेबलस्पून जाएगी शुगर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका 2 टेबलस्पून, वाइट विनेगर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस 3 टेबलस्पून, ये है ही 3 टेबलस्पून। ठीक है, 3 टेबलस्पून ये चली गई, कुटी हुई काली मिर्चें क्रश्ड ब्लैक पेपर, मेरा हाथ देखिए,
क्रश्ड ब्लैक पेपर जाएगी इसमें 3/4 से 1 टीस्पून, दिस इज 1 टीस्पून, ये चली गई। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, कौन सा बटर, लूरपाक का बेहतरीन सा बटर। अब इसको आप तेज़ पे पकाएं ताकि इसकी सारी सीजनिंग्स और ये ड्राई हो जाए। इसमें नमक नहीं लिखा हुआ है इसलिए कि ऑयस्टर सॉस और जो हमारी सोया सॉस है काफ़ी नमकीन है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बटर भी सॉल्टेड लूँ। वन टीस्पून हीप्ड बटर, ठीक है, ये हमारा हो गया ये। अब जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा, ड्राइनेस की तरफ जाएगा, तो इधर मेरे पास हरी प्याज है डायगनल कटी हुई, डायगनल कटी हुई हरी प्याज इसमें जाएगी, दो हरी प्याज आप लेके उसको आप डायगनल काट लीजिए, लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं, सिर्फ पत्तों का हिस्सा वो जाएगा, और आधी शिमला मिर्च जाएगी स्लाइस, बस।